है आपका जो ये समाज है पढ़ा लिखा बहुत जबरदस्त है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सब देश में है विदेश में। नहीं भाई, मैं तो पांचवी पढ़े हुए हूँ। आप पांचवी? आप पांचवी पढ़े हुए? मैं कैसे कह दूंगा कि भाई अच्छा ही बुराई का पता। मैं क्या जरूरत पड़ जाती है जी? सौ के ले रखे और कुछ फैक्ट्री में भी। 12.5 बीघे जमीन थी, आई थी आपके हिस्से में, आज कितनी है? आज तो उसने तो छोड़ दे। अच्छा अच्छा, मतलब जो वैसी जमीन है 70-80 बीघे के करीब है। क्या जबरदस्त पंखा है, बहुत ही बढ़िया, ये आप देख सकते हैं। चले गए, ये देख लो, ऐसा पंखा भी नहीं देखा होगा आपने। सहारनपुर का गांव है भाई, भाई साहब कितना जबरदस्त है ये आप देख लो जी, ये आप देख लो, बहुत ही बढ़िया। खर्चा कितना है लिया तुमने इनसे, मालिकों से? अच्छा बहुत ले। कितना? 1,50,00,000। कितना अपना अपना खर्चा बता देता हूँ, अपना खर्चा बता दो। 50,00,000 के लगभग आपका, मतलब बनाए आपका खर्चा आ गया 50,00,000 के। ये देख लो भाई साहब, 50,00,000 में लोग कोठी बना के कूद दे, इनके मालिकों ने 50,00,000 तो मिस्त्रियों को दे दिए। और अलग बता दिया, देख लो ये लिखा हुआ है आई लव राम, आई लव राम। चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ सहारनपुर के गांव में, ठीक है जी, सोमदत्त त्यागी जी की ये कोठी है, ठीक है। 22 जनवरी को इसका मुहूर्त हुआ है जी, आसपास के इलाके में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में। गांव की बात कर रहा हूँ, शहर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में ऐसा मकान किसी का नहीं है भाई साहब। 8 बीघे में ये मकान बना हुआ है, ठीक है जी। पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, सोमदत्त त्यागी जी का हम आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे। बहुत मेहनत की है इनके बच्चों ने भाई साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटे किसान थे, लेकिन इनके जो 2 लड़के हैं उन्होंने अपने दम पर बिजनेस किया और आज ये मुकाम हासिल किया। ये इनका मकान है, ये इनकी कोठी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा घुमा दूँ, फिर त्यागी जी का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है जी। ये आप देख लो, इधर से आप देख सकते हैं, ये इनका सबसे पहला ट्रैक्टर है भाई साहब, 3610 फोर्ड, ठीक है जी। इनको खेती का शौक है जी। ये दूसरा ट्रैक्टर है 4x4 5405, ये आप देख लो, ये देख लो जी। ये आ गया जी 7075E, एसी केबिन के साथ ट्रैक्टर है भाई साहब ये, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। शंकराचार्य जी आए थे जी इसका उद्घाटन करने 22 जनवरी को, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन था। इनका मकान का भी मुहूर्त इन्होंने 22 जनवरी को ही कराया, ठीक है जी। कारण ये था, 22 जनवरी का जो दिन था ना, बहुत ही ज़बरदस्त शुभ था, ये दिन बाद में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, ये इधर गार्डन है जी, ये आप इनका, इनकी बैठक है, गेस्ट रूम भी आप इनको बोल सकते हैं। चलो अंदर दिखा दो थोड़ा सा, हाँ कहाँ निकाल देंगे, ये मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये आप देख लो, बहुत ही बेहतर, वाओ, ये देख लो जी कितना ज़बरदस्त बना हुआ है भाई साहब। ये आप देख लो, ये देख लो जी, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है। हाँ, गेस्ट है, मेरा नाम नीरज त्यागी है जी जी जी। ये रेस्ट रूम है गेस्ट के लिए? ये रेस्ट रूम है, ये आप देख लो भाई साहब कितना ज़बरदस्त है, ये आप देख लो जी, ये आप देख लो, बहुत ही बढ़िया, ये आप देख सकते हैं जी। ये हमारा डोबी पार्ट है, वाओ, ये पंखा देख लो जी, क्या जबरदस्त पंखा है, वाओ, बहुत ही बढ़िया, ये आप देख सकते हैं। चले गए, ये देख लो, ऐसा पंखा भी नहीं देखा होगा आपने। सहारनपुर का गांव है भाई साहब ये, अगर आदमी ना आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये देख लो जी, बहुत ही गजब, ये देखना, कमेंट करके बताना देखा है ऐसा सिस्टम आपने, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख लो, ठीक है जी। बहुत दिनों बाद एक अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिला भाई साहब, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन, बहुत ही गजब, ये आप देख लो।
चलिए त्यागी जी से बात कराते हैं आपकी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में गांव का नाम तो बताइए ना, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। अच्छा, हाँ जी, अपना नाम अपने परिवार के बारे में। आपका भी स्वागत है। जी जी, और सबका स्वागत है महाराज जी। ये जो अपना गांव है कौन से जिले में पड़ता है? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले में। अच्छा, आपने कोठी बनाई है, कितने एरिया में है ये? ये 8.5 बीघे में। 8.5 बीघे में। अच्छा, अगर आप बताना चाहें जो आपके मतलब ताऊ चाचा थे, आपके पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी 2 भाई थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। आप त्यागी हो? त्यागी में कौन सा गोत? जोहरी भारद्वाज। जोहरी भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, आपके जो पिताजी के हिस्से में जमीन आई थी, कितनी आई थी? उनके हिस्से में तो जमीन 25-25 बीघे आई थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपके अकेले थे अपने पिताजी के? नहीं, दो भाई। दो भाई थे, तो थारे हिस्से में कितनी आई फिर? 12.5-12। हाँ जी। तो आप दोनों भाई इकट्ठे रहते थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो 12.5 बीघे जमीन थी, आई थी आपके हिस्से में। आज कितनी है? आज तो उसने तो छोड़ दे। अच्छा अच्छा, मतलब जो वैसी जमीन है 70-80 बीघे के करीब है करखी। हाँ। मेरा पूछने का मतलब ये है, हाँ। कुछ जिंदे जीवन में कराया नहीं है नु, कोई नहीं, मतलब उस वजह से हम पूछ रहे हैं भाई साहब, ठीक है जा। हाँ। तो मतलब बढ़ाया ही अपना। हाँ, बढ़ाया कुछ नहीं। अब बात करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं? दो लड़के हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो कोठी बनाई है, अगर आप बताना चाहें, कोई मतलब जरूरी भी नहीं है, अनुमानित कितना पैसा लग गया होगा? बस अनुमानित तो देख हमें पता नहीं। अच्छा अच्छा, क्यों? बच्चों के हाथ की बात है। हाँ। मेरे तो यहाँ बैठा ना, तो जी जी, ऐसा नहीं कि भाई मैं उनका हिसाब लूँ, किस्त कितना दिया। हाँ। कौन सा ठेकेदार कितने में लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें। अच्छा, ये जो 8 बीघे जमीन थी, खुद की थी या ली हुई है? नहीं, मोल ली हुई है। मोल ली, तो मेरे हिसाब से कम 10 से ऊपर का ही सिस्टम जा रहा था। या 6.5-7 बीघे तो ली थी मोल। अच्छा जी। अच्छा, बीच में थी बाग के? या अच्छा जी, चिगड़ बाग है जी 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 अपना ही। हाँ हाँ, और फिर कुछ बाग मत लाई। अच्छा अच्छा, तो 8.5-8.5 बीघे करीब। हाँ, तो 10-20 करोड़ का सिस्टम बन रहा। ये तो भाई दर्शकों को देख लेना, आप कमेंट करके बताना कितना पैसा लगा होगा, त्यागी जी को पता नहीं। देखो मैं तो सच बता रहा। सही बात, हमें पता नहीं, हम क्यों बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 10 करोड़ लग रहा है, 20 करोड़ लग रहा है। ये जो नीला ट्रैक्टर खड़ा 36 आपका पहला है? हाँ जी। और ये दो अभी नए लिए? तीन है नए। एक पीछे खड़ा। तो इतनी 70 बीघे खेती में इतने ट्रैक्टर की क्या जरूरत पड़ जाती है जी? सौ के ले रखे और कुछ फैक्ट्री में भी जाए। फैक्ट्री में। हाँ। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये हो, 60 बीघे का किसान तो इतना कर नहीं सकता। ना, तो आपके और बिजनेस हैं? हाँ, और बिजनेस। क्या बिजनेस है अगर बताना चाहें तो? नहीं, बता देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। हमारे बच्चे हैं कबाड़ी खन्ना। कबाड़ी खन्ना मतलब? मतलब जो भी सामान फंस जाए वही पहुँचा दें। हरी मिर्च फंस गई, हरी मिर्च पहुँचा दें विदेश में, दुबई जाए। अच्छा अच्छा, प्याज दुबई जाए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो सेव टमाटर, मतलब जो भी फंसा है वो सब्जी का। हाँ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है। दुबई एक ऐसा देश है, उसमें क्या है ना, अपना खुद भी नहीं है, मिट्टी भी इंडिया से ही जाती है उसमें। तो ये है। अच्छा, 5-10 कंटेनर रोज भारत तक जा रहे हैं। रोज जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब काम पकड़ लिया, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ जी। तो कैसा लगता है, बच्चों ने इतनी तरक्की करी? अच्छा लगे, मतलब बच्चे जो अच्छा करेंगे खराब थोड़े लगेगा। सही बात, सही बात। और सबसे बड़ी बात, गाँव में क्या है ना, इतना पैसा कोई लगाता नहीं है त्यागी जी। जब उनके हवा लग जाती है ना देश की विदेशों की, तो ये सोचते हैं गांव में क्या है, गांव में पैसा ना लगाए। तो ये इच्छा किसकी थी कि यहाँ पर कोठी बनाई जाए गांव में? ये इच्छा हमारे बच्चों की थी। अच्छा अच्छा, मेरी भी थी। हाँ भाई, विदेश में तो एक से एक पड़ा, अगर गांव में थोड़ा सा अच्छा लगे अपना, एक तो गाँव प्रमोट हो और थोड़ा सा अपनी मातृभूमि में, मतलब आप समझ सकते हो। अच्छा, तो यहाँ आप रहते हो, आपका ये पूरा बच्चे भी यही रहते हैं? ना, मैं यहीं पर रहूँ। पर आप रहो? आप रहो, मैं ही रहूँ। बच्चे तो बाहर रहे हैं। बच्चे बाहर रहे हैं, देहरादून मकान ले रखे। अच्छा अच्छा, अपना ही एक वहाँ रहे, एक का काम उरा संभाले है, एक का उरा संभाले है, एक बच्चा छोटे वाला। अच्छा काम बाहर का भी उसका, मतलब उड़ने का, फिरने का, बाहर जाने का, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली। जी जी, वो करे। आपका जो ये समाज है पढ़ा लिखा बहुत जबरदस्त है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सब देश में है, विदेश में। नहीं भाई, मैं तो 5वीं पढ़े हुए हूँ। आप 5वीं पढ़े हुए? हाँ। अच्छा, मैं कैसे कह दूंगा कि भाई अच्छा ही बुराई का पता मैं? हाँ, ये भी बात सही है फिर। सही हाँ, मैं मतलब किसी से। अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्तेदार हैं यहाँ जाने के सारे। कोई काम मतलब ब्याह शादी मरना जीना उसमें गाँव जाएंगे वैसा बैठते हैं। हाँ, अपने काम पर फोकस है। इस वजह से पूछ रहा हूँ ना, 35 साल रहा हूँ मैं। जी जी, मकान नहीं था, मैं अपने
चला जी, जी जी मैं तो अपने यहाँ बाग में रहा, बाग में रहा, सवेरे आ गया काम रखा। हाँ जी 7 बजे आ गया और 7 बजे शाम के घर गया। अच्छा अच्छा, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ ना भाई, मैंने कम से कम ऐसी 20 परिवारों की वीडियो बनाई होगी अभी, एक से एक मतलब अच्छी वीडियो बनाई है। तो अच्छा घूमते भी हैं, बताए त्यागी काफी दोस्त भी हैं, तो मेरा ये मानना है जो समाज है ना पढ़ा लिखा, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान है, हाँ, लेकिन अपनी जमीन पे और गांव को मतलब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं नए उम्र के बच्चे, ये भी हकीकत है। नहीं हम गांव में बढ़ते जा रहे भैया। अच्छा अच्छा आप लोग, हाँ जी चलो और बताइए कुछ। बस और क्या, अपना जीवन का एक्सपीरियंस, कामयाब कैसे हूँ? जीवन बढ़िया है, इवला कोई दिक्कत नहीं भाई। आप 5वीं पास हो? हाँ जी पास हो, फैलते मनु नहीं पता याद रहा पास थे फैलते। अच्छा अच्छा, छठी में मैं गए नहीं, छठी में मैं 5-4 दिन गया। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा त्यागी जी गरीबी देखी, जीरो से स्टार्ट थे। हाँ जी है? नहीं गरीबी देखी नहीं। अच्छा ऐसा था कि मारा ताऊ रह गया था, मैं 2 साल का था जी, मारा पापा मर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरी माम तक रहता ज्यादा। जी जी, जमीन सारी बहुत थी कट्ठी, ये तो कट्ठी थी। अच्छा, तो प्यार में मैं पढ़ाया नहीं उसे, अगर हमारा जमीन है मैं पढ़ाता नहीं, पढ़ाता नहीं है। हाँ, दूसरे का नौकर लगेगा अपना जमीन में करिए। हाँ जी अच्छा अच्छा, वो थी बात। ठीक है, वो गरीबी करब भी नहीं, गरीबी मतलब इतनी देखी नहीं। ना ना, अच्छा मतलब 12.5 बीघे के हिसाब से उन्हें देखी गरीबी, उन्होंने देखी। हाँ जी ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी है तारी। मारे चाचा मारे बाप पर मतलब मैं दूसरों का नौकरी भी करी कुछ दिन ऐसा आए। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी ने? हाँ जी, जैसा बता मैं तेरे जी झटके बता रहे क्या? मतलब बीच में भी भाई कमी समी आई, नहीं आ जाती है तो हमेशा मतलब थोड़ा सा लगता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहा। अच्छा अब ये बताओ उद्घाटन 22 जनवरी को करवाया, कोई खास वजह? 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, हम क्यों नहीं करवाते? अच्छा जी, शंकराचार्य जी को बुला लिया? शंकराचार्य ने तो खुद मैसेज करा जी। हाँ वो ऐसा था यहाँ पहले हमारा लेंटर जो भरा गया डिब्बे पैक करवाए थे हमें। अच्छा अच्छा, तो एक आदमी वहाँ बद्रीनाथ गया था जी जी, वो डिब्बा वहाँ पहुँचवा दिया था हमें, उस पर सारा एड्रेस था। अच्छा अच्छा, तो उसने वो बताया अब इसी मिठाई का भोग लगाया। अच्छा, हाँ वहाँ और वो एड्रेस वो इन्हें नोट कर लिया शंकराचार्य जी। हाँ जी बद्रीनाथ। अच्छा बद्रीनाथ में, चलो बढ़िया। तो एक दिन पहले ही मैसेज आया। अच्छा अगर भाई हम यहाँ रहे, चलिए बहुत बढ़िया। तो किसान थोड़ी सी हमारा चैनल क्या है ना, किसान देखते हैं, तो किसान का बच्चा कैसे कामयाब होगा त्यागी जी? किसान का बच्चा तो कामयाब, जैसे आपके 2 लड़के हैं। हाँ। एक अगर किसानी करता है। हाँ। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता, या फिर दोनों खेती में करते, तो मुझे तो नहीं लगता इतना काम। इन्हें मैं पूछ लिया था अंदर भाई खेती करोगे क्या जी? अब खेती कर तो हम नहीं खेती करते, बजट नहीं, बचत नहीं है ना जी खेती में। फिर इनका शोरूम बनवाया, ये तो पढ़े लिखे होंगे त्यागी जी। एक 10वीं फैल है, अरे तेरी 14वीं है क्या क्या है? अच्छा अच्छा, एक भी है, मतलब इनका क्या है ना पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं रहा, बिजनेस दिमाग में था, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अच्छा जी, हाँ बिजनेस में ध्यान था। अच्छा, मैं फिर यहाँ शोरूम खुलवाया नकुड़ जी जी जी, वो भी उन्हें फैल कर दिया। फिर वो हमारे ये भतीजे जो थे वे विदेशों में काम करें, बस उनके लारा लूरा लग के एक दो बार घाटा भी हुआ, बस चलते रहे अपना, घाटा भी बहुत हुआ। अच्छा, अगर चलते रहे वो नहीं करा, मतलब नेक नीयति से लगे रहे, नेक नीयति से लगे रहे। हाँ जी लगे रहे। ठीक है, अच्छा गांव का जैसा आपको बताते आगे जी, जब एकदम ऐसा धुआं सा तारा है तो आदमी क्या कहे अगर पूछे, जैसा हमने पूछा, हम आपको बता रहे त्यागी जी के वहां जाना, तो हमने थोड़ा सा पूछा ना, अरे नंबर 2 का पहला ऐसा कहते हैं ना जी, को वो जो हमें क्या सही बात है। देखो नहीं आज के टाइम में नंबर 2 का पैसा है जी, बिल्कुल नंबर 2 का पैसा है, सरकार सरकार है नहीं थोड़ी बैठी, नहीं बैठी नहीं बैठी, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2 आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता ना, नंबर 2 में कुछ है ये तो क्या है ना, गांव की क्या है ना, एक वो बनी हुई है नीति। नहीं सरकार कोई मिश रखी सरकार ने, भाई नंबर 2 का पैसा कोई खाम खाई इतनी मार कर यहाँ लगा था कोई, ये नंबर ये भाई साहब पूछे नंबर 2 किसे कहते हैं, ये क्या है ना गाँव का क्या है ना कल्चर है, अगर आप ऊपर उठ रहे हो ना
तो हाँ। यार नंबर दो का नंबर दो का पैसा तो नंबर दो पूछने जा रहे क्या है नंबर दो भाई कुछ भी नहीं नंबर दो भाई उन्हें नहीं पता नंबर दो उन्हें पता एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नंबर दो हो जाएगा नहीं एक्सपोर्ट का तो ईमानदारी का पैसा है मैं तो पहले ही बता दिया वो नहीं नहीं खेती भी नंबर दो में नहीं होती इसका क्या है ना तो लोग बाग ये तो पता ये तो कह दे मैं नंबर दो उनसे पूछे भाई नंबर दो क्या हो इतना नहीं पता नहीं हो समय चलो त्यागी जी आपने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई हम तो जो बता रहे सच बता रहे नहीं सही बात इसमें कोई दो नहीं बिल्कुल है बिल्कुल तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपकी बात करवाई त्यागी जी से ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद।